और भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए वर्चुअल एकेडमी को और लेटेस्ट अपडेट एंड नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज के लेसन में हम देखेंगे कि आप अपने डेटाबेस में लिमिट कैसे अप्लाई कर सकते हैं, अपने डेटाबेस को ऑर्डर में कैसे ला सकते हैं, असेंडिंग डिसेंडिंग सॉर्ट कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं पीएचपी एडमिन में आता हूं, यूजर पे क्लिक करता हूं और अपना जो टेबल है कस्टमर इस पे क्लिक करूंगा। एसक्यूएल में जाके मैंने सिंटैक्स लिखना है, तो सबसे पहले एक सिंपल सा सिंटैक्स लिखते हैं जो आपको पता भी होगा, इससे पहले भी मैंने काफी बार लिखा है। सिलेक्ट आईडी फर्स्ट नेम फ्रॉम कस्टमर, ओके। अब मैं इसको गो करता हूं, तो यहां पे देखें तो मेरे पास जो है तो तकरीबन कितने कस्टमर है, मेरे पास यहां पे यूजर जो है कस्टमर में 12 है और इन सब का जो है तो मेरे पास यहां पे देखें आईडी 12 तक यहां पे कंप्लीट ही आ गए, नेम और फर्स्ट नेम और आईडी। अब मैं ऐसा करता हूं कि मैं इसको चाहता हूं, मैं इसको लिमिट अप्लाई करता हूं, मैं चाहता हूं कि मेरे पास ओनली फर्स्ट फाइव जो नेम है, फर्स्ट फाइव जो आईडी है और नेम है वो मेरे पास सामने शो हो। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा कि मैं यहां पे टाइप करता हूं सिलेक्ट आईडी फर्स्ट नेम फ्रॉम कस्टमर और लिमिट अप्लाई करता हूं, इसमें लिमिट अप्लाई कर देता हूं 5 की। अब मीन के मैंने इसको लिमिट दे दी कि 5 तक कि फर्स्ट जो 5 मेरे पास आईडी है ओनली इन्हीं को शो करवाए, तो उसके लिए मैंने इसको लिमिट अप्लाई कर दी। अब मैं यहां पे गो करूंगा तो मेरे पास आप देखें तो फर्स्ट 5 ओनली 5 मेरे पास यहां पे यूजर आए हैं, देखें सिर्फ और सिर्फ 5 यूजर का इसने नाम दे दिया, आईडी और फर्स्ट नेम इसके दे दिए। अब मैं चाहता हूं कि नहीं मेरे पास जो 5 है 5 से आगे जो यूजर नेम है 5 से मैं लिमिट दे देता हूं, 5 से लेकर इतने तक मुझे ये आईडी शो करवाए और यूजर शो करवाए। तो उसके लिए मैं यहां पे क्या करूंगा, उसके लिए मैं यहां पे अब यहां पे देखिए इसने ओनली जो है तो मुझे 5 तक इसने डेटा को रिटर्न करके दिया। अब मैं चाहता हूं कि मेरे पास ये जो है तो 5 से आगे कुछ मैं इसको जो मैं चाहता हूं जितने लिमिट्स को मैं दूंगा 5 से आगे वहां तक ही मुझे डेटा को रिटर्न करके दे डेटा को शो करवाए। तो उसके लिए मैं यहां पे टाइप करता हूं सिलेक्ट आईडी और फर्स्ट नेम, आईडी दे फर्स्ट नेम दे फ्रॉम कस्टमर और लिमिट कितनी हो, जिसमें लिमिट इसमें हो 5 इन 5 से स्टार्ट करें और कामा 5 कर देता हूं। 5 मीन अब मेरे पास यहां पे ये जो 5 है कि 5 से आगे स्टार्ट करें और अगले जो 5 है इसमें 5 रोज स्टार्ट मीन और मुझे दे, ये जो 5 है ये 5 से आगे 5 जो रो है उससे आगे मेरे मुझे आईडी शो करवाए और ये जो 5 है मीन 5 के बाद 5 और मुझे शो करवाए। तो ये मैंने दिया और यहां पे मैं इसको जो है तो 5 और 5 से आगे मुझे शो करवाए और इसको मैं यहां से जो है तो सेमी कॉलन देता हूं और इसको मैं गो करवाता हूं, ओके। तो अब यहां पे देखें तो इसने मुझे यहां पे शो करवा दिए 6 7 8 9 10 मीन के 5 से आगे 5 और जो है 5 रोज और इसने मुझे शो करवा दिए यहां पे। तो ये होता है लिमिट कि आप लिमिट कैसे अप्लाई कर सकते हैं और आप अपने डेटे को कैसे आप चाहते हैं कि किसी लिमिट के अंदर मुझे वो डेटे को शो करवाए। अब अगर आप अपने किसी भी जो डेटा है आपका आप उसे अगर असेंडिंग ऑर्डर में या फिर अल्फाबेटिकली सॉर्ट करना चाह रहे हैं, असेंडिंग ऑर्डर में उसे डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए मैं यहाँ पे एसक्यूएल में क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैं टाइप करूंगा अगर आपने असेंडिंग ऑर्डर में शो करवाना है। अभी देखें अगर मैं यहाँ पे जो है तो मैं फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर में ये अल्फाबेटिकली शो करवाना चाह रहे हैं तो मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ, पहले मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ सिलेक्ट आईडी फर्स्ट नेम फ्रॉम कस्टमर फर्स्ट नेम एंड ये मैंने आप यहाँ पे शो करवाता हूँ, इसको गो करके आप बताता हूँ। अब यहाँ पे देखें ये असेंडिंग ऑर्डर में नहीं है, ए के बाद यू आ रहा है के आ रहा है एस आ रहा है डब्ल्यू आ रहा है जे आ रहा है, तो मेन असेंडिंग ऑर्डर में नहीं है। तो इसको असेंडिंग ऑर्डर में लाने के लिए हमने क्या करना है कि मैं यहाँ पे
टाइप करता हूं सिलेक्ट फर्स्ट नेम को मैं ओनली सेंडिंग ऑर्डर में लाना चाह रहा हूं फर्स्ट नेम फ्रॉम कस्टमर इसको मैं टाइप करूंगा ऑर्डर बाय. अब इसके लिए जो मेरे पास यूज होता है सिंटैक्स होता है ऑर्डर बाय का. ऑर्डर बाय फर्स्ट नेम, फर्स्ट नेम को ऑर्डर बाय करें और ऑर्डर बाय मीन फर्स्ट नेम जो है हमारे पास जितने भी उनको असेंडिंग ऑर्डर में मुझे शो करवाए. और मैं यहां से सेमी कॉलन डाल के मैं इसको गो करूंगा. तो अब देखें इसने मुझे ए के बाद ए ए वाले मुझे इकट्ठे करके दे दिए, फिर जे के पी एस और इस सारे से मुझे क्या किया असेंडिंग ऑर्डर में ला के दे दिया. तो आप इससे अपने किसी भी डेटाबेस को आप असेंडिंग ऑर्डर में ला सकते हैं. इसी तरह डिसेंडिंग ऑर्डर में लाना है तो डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए भी आप इसी तरह जो है तो इसको ला सकते हैं. डिसेंडिंग ऑर्डर में लाने के लिए मीन के मैं चाहता हूँ कि मेरे पास डब्ल्यू वाला सबसे टॉप पे आ जाए, यू टॉप पे आ जाए और ए जो है सबसे नीचे आ जाए. तो डिसेंडिंग ऑर्डर में लाने के लिए मैं यहाँ पे एसक्यूएल पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैं टाइप करूंगा, यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए सिलेक्ट फर्स्ट नेम फ्रॉम कस्टमर ऑर्डर बाय फर्स्ट नेम. कि फर्स्ट नेम को ही ऑर्डर करे, किस में ऑर्डर करे डिसेंडिंग में. डिसेंडिंग के लिए डी ई एस सी ये डिसेंडिंग के लिए यूज होता है. अब इसको मैं डिसेंडिंग करना चाह रहा हूँ तो डिसेंडिंग के लिए सिंटैक्स है मेरे पास और इसको मैं गो करूंगा तो मेरे पास यहाँ पे देखिए डिसेंडिंग में आ गया. मीन डब्ल्यू पहले आ गया और ए सबसे नीचे आ गया तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर मुझे इसने शो करवा दिया. असेंडिंग के लिए भी आप इसी तरह ये काम कर सकते हैं. असेंडिंग के लिए आपने यही टाइप करना है, करने के बाद आप इसे असेंडिंग, असेंडिंग के लिए आप जो आपका सिंटैक्स होता है वो ए एस सी होता है. मैं आपको बता देता हूँ, मैं यहाँ पे असेंडिंग के लिए टाइप करता हूँ सिलेक्ट फर्स्ट नेम फ्रॉम कस्टमर ऑर्डर बाय फर्स्ट नेम और यहां पे मैं इसको दे देता हूं असेंडिंग के लिए ए एस सी. असेंडिंग बेसिकली जो अगर आप ए एस सी नहीं भी लिखते फर्स्ट नेम लिखते हैं तो फर्स्ट नेम ये बेसिकली बाय डिफॉल्ट आपको असेंडिंग में ही अपना डेटाबेस आपको शो करवाएगा. असेंडिंग करके मैं इसको गो करता हूं तो अब देखिए इसे सारा का सारा डेटा जो मुझे असेंडिंग ऑर्डर में दे दिए, ए से स्टार्ट हो रहा है. तो नॉर्मल अगर आप असेंडिंग ऑर्डर ना भी लिखें, ए एस सी ना भी लिखें तो फिर भी आपको असेंडिंग ऑर्डर में शो करवाएगा. तो ये था आज का लेसन, उम्मीद है कि आपको यहां तक समझ आया होगा. इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में कुछ और टॉपिक, कुछ और चीजों के ऊपर डिस्कस करेंगे. तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. खुदा हाफिज़.